सो गाइस, तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप लोग काफी ज्यादा मस्त एंड गाइस काफी ज्यादा हैप्पी होंगे। एंड गाइस, इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे इस टाइप की फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग करना। तो गाइस, अगर आपको भी सीखना है सबसे आसान तरीके में इस टाइप की फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग करना, तो गाइस अगर आप लोग इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आप लोग वन क्लिक के अंदर इस टाइप से मेरे जैसा फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग करना सीख जाएंगे। तो गाइस, अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट अगर आप लोग देख लेंगे तो इस टाइप से फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग करना सबसे आसान तरीके में आपको दूंगा। एंड गाइस, आप लोग सीख जाएंगे। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर आओगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू एंड गाइस से जरूर स्टार्ट। तो सिंपली गाइस क्या करेंगे, इस टाइप की एडिटिंग को करने के लिए सिंपली गाइस आएंगे यहां से गैलरी के अंदर। तो गाइस अभी देख लीजिए मेरा एडिट फोटो है, आप लोग यहां पे देख लीजिए। और गाइस यहां पे आप लोग देख लीजिए मेरा ओरिजिनल फोटो। तो गाइस मैं इसी वाले फोटो को एडिट के आपको सिखाऊंगा। तो गाइस आपको कैसे एडिट करना है, सिंपली गाइस आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपको यहां से अपने फोटो को ओपन करना है। सिंपली आपको स्नैपशीट ऐप के अंदर जो एप्लीकेशन के साथ आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, तो जिससे कि आपको इस एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को लेकर आप लोग आ जाइएगा। और इस आपको नीचे कर देना है टूल्स वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक। एंड गाइस आपको ऊपर टू इमेज वाले ऑप्शन के ऊपर इस तरीके से क्लिक करना है और आपको ब्राइटनेस को इनिशिएट के इस तरीके से 39 कर लेना है, ठीक है। और सिचुएशन पे आना है, सिचुएशन को आपको इस तरीके से 31 प्लस करना है, ठीक है। एम्बिनेंस पे आना है, एम्बिनेंस को भी इस तरीके से आपको 29 प्लस करना है, ठीक है। आपको वाइट लाइट को थोड़ा सा भी नहीं छेड़ना है। शेडो पे आना है, शेडो को इस तरीके से आपको माइनस करना है 22, ठीक है। 22 से कुछ कम मतलब कि ज़्यादा कर लेंगे, इससे 26 कर लेंगे। सबसे नीचे आएंगे, सबसे नीचे वाले ऑप्शन को हम लोग इस तरीके से 11 इसको प्लस कर लेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए सारा सेटिंग, अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग गाइस कर सकते हैं और इसके बाद फोटो को डन कर लीजिएगा। तो देख लीजिए बिफोर और आफ्टर अभी फोटो में मतलब कि क्वालिटी इतना तो आ गया है, लेकिन अब आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए सबसे आसान तरीके में सिखाएंगे। तो गाइस बस आपको इस वाले फोटो को ओपन करना है लाइटरूम ऐप के अंदर, जो एप्लीकेशन है आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। तो आपको सिंपली करने का इस ऐप को अंदर अपने फोटो को इंपोर्ट कर लेना। तो जैसे कि इस आपका फोटो इंपोर्ट होगा तो आपको यहाँ पे एक लाइटरूम का नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। तो गाइस आपको करने का इस नोटिफिकेशन पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है। सिंपली गाइस आप लोग लाइटरूम ऐप के अंदर पहुँच जाएंगे और आपको गाइस क्या करना है, मैं आप लोगों के लिए एक प्रिंटर बना हुआ जिसका लिंक गाइस मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से आप लोग जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने फोटो पे कैसे अप्लाई करना है आप लोग सीख लीजिए यहाँ पे अच्छे तरीके से। मैं प्रीसेट आप लोगों के लिए इसलिए बनाया हूँ क्योंकि आप लोगों को एडिटिंग करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो बस इस आपको कहना क्या होगा, ऊपर आपको किस थ्री डॉट वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार इस तरीके से क्लिक करना है और ये आपको क्या कहना है, यहाँ पे आपको एक मिलेगा कॉफी सेटिंग का ऑप्शन, तो आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और इसको एंड गाइस इसको करके और क्रॉप को छोड़ना है, फोटो को इस तरीके से डन कर लेना है और गाइस आपको बैक पे क्लिक करके और अपने ओरिजिनल फोटो पे गाइस आ जाना इस तरीके से। तो गाइस आपको क्या करना होगा, थ्री डॉट पे ऊपर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे बस आपको कर देना है फेस सेटिंग। तो वन क्लिक के अंदर आपका फोटो सेम टू सेम मेरे जैसा एडिटिंग हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कितना धांसू तरीके से मैं अपने फोटो को गाइस एडिटिंग कर लिया। तो देख लीजिए बिफोर और आफ्टर, ठीक है, कितना HDR मतलब कि हाई क्वालिटी में पूरा एडिटिंग होगा, ठीक है। तो आप लोग भी प्रीसेट को डाउनलोड कि अपने फोटो पे अप्लाई कर लीजिएगा और इसके बाद अपने फेस को अच्छे से स्मूथ कैसे करेंगे, बस आपको ये काम करना है। बहुत आसान तरीके में एडिटिंग में आपको सिखा दूंगा। सो गाइस, तो मेरा फोटो सेव हो चुका है। एंड गाइस इस वाले फोटो को इस तरीके से ओके कर लेंगे और ऊपर हम लोग शेयर पे क्लिक करके और यहाँ से अब इस वाले फोटो को शेयर कर लेंगे। एक बार सेव किए थे और हम इसको शेयर करेंगे। तो गाइस सिंपली हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली गाइस हम लोगों को SK2 कैप के अंदर इस वाले फोटो को गाइस हम लोग ओपन कर लेंगे जहाँ पे गाइस हम लोग अपने फेस को अच्छे से स्मूथ करेंगे, तो आपको ये वाला प्रॉब्लम मिलेगा। तो गाइस आपको करना क्या है, आपको गाइस यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे आना है और बस गाइस आपको इंपोर्ट फ्रॉम फाइल वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार आपको गाइस क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पे क्लिक करके इस पर क्लिक कर लेना है और अपने फोटो वाले मॉडल को फिर से इंपोर्ट आपको करना, जिस भी फेस को मतलब कि जिस भी फोटो का फेस स्मूथ करना चाहेंगे उस वाले फोटो को आप लोग इंपोर्ट कर लीजिएगा। और ये सब आपको क्या करना है कि अपने फेस को अच्छे तरीके से हम लोग स्मूथ कैसे करेंगे, बहुत सारे भाई के कमेंट ये आता है, ठीक है। और सबसे आसान तरीके में आप लोग सीख लीजिए आज की वीडियो में, ठीक है। तो गाइस आपको कहना क्या होगा, आपको ऊपर ब्रश पे क्लिक करके और ये सबको क्या करना होगा, आपको गाइस आपको सबसे ओरिजिनल ब्रश बता रहा है, ठीक है। आपको इस वाले ब्रश को एक बार सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। तो गाइस आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, ऊपर आपको सेटिंग पे क्लिक कर लेना है और फॉलो को 5 पे स्टेन को भी 5 कर लीजिएगा एंड गाइस साइज को अपने हिसाब से करके और कट कर लीजिएगा। और इसके बाद गाइस आपको करना क्या होगा, इस तरीके से अपने फेस के ऊपर ब्रश को ड्रॉ करना है एंड गाइस अप्लाई करना है। और जैसे कि गाइस आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपका फोटो वन क्लिक के अंदर मेरे जैसा एडिटिंग हो जाएगा और फेस काफ़ी तगड़ा तरीके में स्मूथ हो जाएगा। तो
कुछ भी नहीं होता है एडिटिंग में। अगर आप लोग अच्छे से वीडियो को देखते हैं और शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो आप लोग सबसे आसान तरीके में फोटो एडिट करना सीख जाएंगे। फोटो एडिट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन इसे आप लोग अच्छे से करते नहीं है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा टाइम देकर और अच्छे से करते हैं ना, तो बहुत आसान तरीके में आप लोग एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए कितना आसान तरीके में अपने फोटो को एडिटिंग कर रहा हूँ। और जिस इसी तरीके से आप लोग अपने फोटो को अच्छे से एडिट गाइस, तो आप लोग मेरे भाई लोग यहाँ पे देख लीजिए कि मैं अपने फेस को कितना अच्छे तरीके से स्मूथ और गाइस व्हाइट तो कर लिया हूँ, लेकिन हम लोग एक काम और भी करेंगे जिससे कि फोटो और भी ज़्यादा हेवी लगेगा देखने में। तो थोड़ा सा लिप्स को रेड करेंगे। तो इसको कैसे हम लोग गाइस रेड करेंगे, सिंपली ऊपर कर देंगे लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक, ठीक है, और प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक नर को क्रिएट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे एंड इस नोर पे क्लिक करके इसको सॉफ्ट लाइट कर लेंगे और कट करेंगे एंड इसे ड्रॉ करेंगे, ऊपर ब्रश पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे और सिंपली गाइस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इस वाले ब्रश को एक बार सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और गाइस इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेटिंग पे इसके क्लिक कर लेंगे। तो इस तरीके से सेटिंग पे क्लिक करेंगे और ऑपेसिटी को पूरा 100 कर लेंगे, साइज को गाइस जो भी है अपने हिसाब से करके और यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। और ऊपर आपको कलर पर क्लिक करके और यहाँ से जो भी आप अपने लिप्स का कलर रखना चाहेंगे वो आराम से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा और कट कीजिएगा। और गाइस बस आपको करना क्या होगा, इस तरीके से अपने लिप्स के ऊपर आपको अपने कलर्स को अप्लाई करना होगा। तो गाइस काफ़ी शानदार तरीके में आपका फोटो बन जाएगा। और एक काम और है, अपने हेयर पे ऑयल पेंट को कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, जिससे कि और भी ज़्यादा अच्छा फोटो लेगा दिखने में। तो कुछ भी नहीं होता है गाइस, अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच करते हैं, गाइस देखते हैं, तो आपका भाई सब कुछ आपको आसान तरीके में समझा देगा एंड सिखा देगा। तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। तो देख लीजिए गाइस यहाँ पर मेरा लिप्स रेड हो चुका है और बस थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं हम लोग टूलबिट ऐप के अंदर इस वाले फोटोज़ को। तो देन गाइस सिंपली हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत घबराइएगा मत, आप लोग अच्छे से देखिए। तो टूलबिट एप्लीकेशन के अंदर आप लोग इस वाले फोटो को लेकर आइएगा, जो एप्लीकेशन जैसे आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। और बस आपको नीचे इफेक्ट वाले टूल्स पे एक बार क्लिक कर लीजिएगा, सॉफ्ट स्मूथ पे आपको एक बार क्लिक कर लेना है, ठीक है, एंड इस तरीके से। और आपको फ़ोन नंबर को सेलेक्ट करना है और आपको ऊपर मार्क्स पे इस तरीके से क्लिक करना है। तो देख लीजिए हेयर पे कितना बवाल तरीके से ऑयल पेंट हो चुका है और आँख पर का ऑयल पेंट को इरेज कर लेंगे इस तरीके से। फोटो को जूम करके घबराएंगे नहीं थोड़ा सा भी, हम लोग अच्छे से फोटो को एडिट करेंगे और इस तरीके से फोटो को डन कर लेंगे। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वाले वीडियो को समझ गए। फिर से मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इस इतना वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ इस बवाल तरीके से।